गुड मॉर्निंग दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का आयतन एवं बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात करते हैं। आज पढ़ेंगे शंकु का आयतन, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किस तरह से ज्ञात किया जाता है। जैसे अपना क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 12 मीटर तथा तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि शंकु की आकृति बना लेते हैं, ये शंकु है, इसके आधार का व्यास ये 12 मीटर है, इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई ये है इसकी 10 मीटर, तिर्यक ऊंचाई और इसका दूसरा नाम ढालू लंबाई भी बोलते हैं इसको। कई जगह ये लिखा होता है कि शंकु की ढालू लंबाई, ढालू लंबाई का ढालू का अर्थ होता है ढलान वाली लंबाई, जिसको तिर्यक ऊंचाई भी बोला जाता है, ये 10 मीटर है। इसमें शंकु के आधार का व्यास बराबर 12 मीटर, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी, त्रिज्या बराबर 12/2 बराबर 6 मीटर, ये शंकु की त्रिज्या आ गई। अब लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर 10 मीटर, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर कोष्ठक आर प्लस एल, ये शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र है, पाई आर कोष्ठक आर प्लस है। इस सूत्र के द्वारा शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, बराबर पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 6 इंटू 6 प्लस ढालू लंबाई 10 या तिर्यक ऊंचाई 10 बराबर 22/7 इंटू 6 इंटू 10 और 6 16। अब देखो कोई संख्याएं कटती नहीं है, तो ऊपर ऊपर की संख्याओं को गुणा करना है और फिर 7 का भाग लगाना है। 22 को 6 से इंटू कर देंगे तो 22 को 6 से इंटू किया 132, इसको इंटू करना है 16 से, 6 × 12 = 18 + 1 = 19 + 6 = 7 + 2 = 3 बराबर 2112/7। ये आ गया अपने शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब याद तक भी रख सकते हैं और आगे याद करना है, तो 2112 में 7 का भाग लगाएंगे, तो 2112 में जब 7 का भाग लगाते हैं कितने आते हैं, 7×21 आगे 1 भाग जाएगा 0 बार, फिर अगला 2 तो 7×7 पचले 5, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 उतारेंगे 7×7=50 तो बराबर 301.7 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठ 2035 वर्ग सेमी तथा आधार का व्यास 35 सेमी हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब क्यों अपन को आधार का व्यास दिया हुआ है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब ढालू लंबाई आपको ज्ञात करनी है। शंकु के आधार का व्यास बराबर 35 सेमी, तो त्रिज्या कितनी आ जाए इसकी, त्रिज्या बराबर 35/2
दो का भाग लगा देंगे तो वो त्रिज्या आ जाएगी। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। अब शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल बराबर 2035। पाई का मान होता है 22/7 इंटू आर का मान 35/2 इंटू एल। अपन को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है, वो एल है बराबर 2035। एल बराबर 2035/1 इंटू 7/22 इंटू 2/35। अब जो संख्याएं कटती है उनको काट देंगे। देखो 2 का भाग 22 में 11 बार, 7 से 35 5 बार। अब 5 का भाग 2035 में जाता है, लगा देंगे इस 5 से, ये 5 चौके 20, 0 5 सत्ते 35, कितने आ गए? एल बराबर 407/11। 11 का भाग फिर लगा देंगे इसमें, एल बराबर 11/33 और 11/77 कितने आ जाएगी? 37। तो इस जो शंकु है उसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आएगी? 37 सेमी। अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है तथा ऊंचाई 24 सेमी है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि एक शंकु है, इसकी ये ऊंचाई तो अपने पास में दी हुई है 24, और आपको एल का मान ज्ञात करना है, और एक शंकु का आयतन है वो दिया हुआ है 1232 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर 24 सेंटीमीटर, शंकु का आयतन बराबर 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1232। शंकु के आयतन का सूत्र लिख दिया, बराबर शंकु का आयतन दिया है तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच का मान 24। एच का मान दिया है, पहले आर का मान वो ज्ञात करेंगे, बराबर 1232। तो आर स्क्वायर बराबर 1232/1 इंटू 3/1 इंटू 7/22 इंटू 1/24। अब जो संख्याएं कटती है उन संख्याओं को काट देंगे, 3 से 24 है वो 8 बार कट जाएगा। इसके बाद में 8 का भाग 1232 में लगा देंगे, 8 × 8 = 40 और 8 × 32 आर स्क्वायर बराबर 154/22। अब देखो 22 का भाग और जाता है इसमें 7 बार, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 आर बराबर √7 × 7 आर बराबर 7। आर का मान आ गया अपने पास में 7 सेंटीमीटर, जो इसकी त्रिज्या है यहां से यहां तक कितनी है? 7। इसकी ऊंचाई है वो 24। अब तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए क्या बनता है? एक समकोण त्रिभुज बनता है जिसका आधार है लंब है, कर्ण अपन को ज्ञात करना है। तो तिर्यक ऊंचाई
एल बराबर होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये पीरियड तुमसे याद करने का सूत्र है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर अंडर रूट आर का मान है अपने पास में 7 का स्क्वायर प्लस एच का मान दिया हुआ है 24 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग, 24 को 24 इंटू करते हैं 576 बराबर अंडर रूट, दोनों को जोड़ देंगे 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1, 5 और 7 12 के 2 हासिल की 1 625। तो एल बराबर क्या आ जाएगा 25, 625 का वर्ग 25, तो इसकी तीरियक ऊंचाई कितनी आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अपना, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेमी हो तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कि एक शंकु है जिसके आधार का क्षेत्रफल, शंकु का आधार वृत्ताकार होता है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और यदि इसकी तिरछी ऊंचाई दी हुई है 25 सेंटीमीटर, आपको ये ऊंचाई है वो ज्ञात करनी है। इसके लिए सबसे पहले इस शंकु की त्रिज्या को ज्ञात करेंगे। शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, शंकु की तिरछी ऊंचाई बराबर 25 सेंटीमीटर, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर या 154 वर्ग सेंटीमीटर। तो शंकु का आधार होता है वो होता है वृत्ताकार, किसका अर्थ हो गया ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो क्या लिखेंगे पाई आर स्क्वायर बराबर 154, तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154, तो आर स्क्वायर बराबर 154 बटे 1 इंटू 7/22। देखो 22 से कटती है संख्या, 22/7 154, तो आर स्क्वायर बराबर 7 × 7, आर बराबर अंडर रूट 7 × 7, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये अपने पास में आर का मान आ गया और एक डिग्री अपने पास में तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई क्या होती है एल, एल का मान दिया हुआ अपने पास में, आर बराबर आया 7 सेंटीमीटर और एल बराबर है अपना 25 सेंटीमीटर। आपको मान याद करना है एच का कि इसकी शंकु की ऊंचाई ये यहां से यहां तक इसकी ऊंचाई कितनी है। तो अपने पास में तिरछी ऊंचाई का सूत्र क्या था, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समकोण त्रिभुज है जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हैं एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर एल का मान कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आर 7 का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर बराबर 25 को 25 इंटू करेंगे 625 माइनस 49, तो एच स्क्वायर बराबर 625 में से 49 लगा देंगे तो 576, तो एच बराबर अंडर रूट 576, एच बराबर 24 सेंटीमीटर, 576 का वर्गमूल होता है 24। तो इस शंकु की ऊंचाई है वो आएगी 24
सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है, यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। कि एक शंकु है जिसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या, ये इसकी ऊंचाई है, ये इसकी त्रिज्या है, ये आर है, ये एच है और ये तिर्यक ऊंचाई एल है। मान लेते हैं शंकु की तिर्यक ऊंचाई त्रिज्या आर एवं तिर्यक ऊंचाई एल है। शंकु की त्रिज्या बराबर आर, तिर्यक ऊंचाई बराबर एल। अब देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्नानुसार कि तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात अर्थात एल बटा आर बराबर 7:4, अनुपात को बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इनका वज़न गुणन करते हैं, बराबर के दोनों साइड में एक एक संख्या है तो क्या आ जाएगा, 4L बराबर 7R, 4L बराबर 7R, L बराबर 7R/4, ये अपना समीकरण नंबर एक। अब आगे इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, लिखेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर एल बराबर 792। अब देखो अपन को शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, एल का मान एल की जगह रख देंगे, पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर इंटू एल का मान क्या रख सकते हैं 7R/4, एल की जगह 7R/4 बराबर 792। देखो आर और आर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर बराबर 792/1 इंटू ये संख्या निकल जाएगी, तो 22/7 इंटू 4/7 उलट जाएगी संख्या। अब देखो 7 से है, 7 कट गया, 2R 11R, 2 का वर्ग लगा दिया दोनों में। अब जो संख्या है 11 का वर्ग इसमें लगा देते हैं, 11 7 77 बच गए 2, 11 2 22, तो क्या आ गया आर स्क्वायर बराबर 72 × 2, तो आर स्क्वायर बराबर 144, तो आर बराबर √144, तो 144 का वर्गमूल क्या जाएगा आर बराबर 12 सेंटीमीटर, तो उस शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन अपना, 14 सेमी भुजा के एक घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। कि एक 14 सेमी भुजा का एक घन है, मान लीजिए ये 14 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, इससे बड़े से बड़ा एक शंकु काटा जाता है, तो इस घन से बड़ा शंकु काटा जाता है, इसका अर्थ क्या हो गया कि उस शंकु की ऊंचाई इस घन की भुजा के बराबर होगी, और इस शंकु का जो आधार है
ये आधार, इसकी भुजा के बराबर हो जाएगा, अर्थात शंकु का व्यास भी कितना हो जाएगा, इस शंकु इस घन की भुजा के बराबर। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई बराबर 14 सेंटीमीटर। 14 क्यों? क्योंकि इस घन से बड़ा शंकु काटा जा सकता है, अर्थात इस तल वाले भाग से ऊपर तक ऊंचाई ले सकते हैं, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। और शंकु का व्यास बराबर भी 14 सेंटीमीटर। व्यास आ गया तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, तो शंकु की त्रिज्या बराबर 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। अब अपने पास में शंकु की ऊंचाई भी है, त्रिज्या भी है, आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7 इंटू एच का मान 14। आर स्क्वायर है तो आर का मान 2 बार लिख दिया, इस 7 से ये 7 कट जाएगा बराबर 22 × 7 × 14/3। अब ऊपर ऊपर की संख्याओं को गुणा करना है और 3 का भाग देना है, 22 को 7 से इंटू करेंगे 154 आएंगे, इसको इंटू करना है 14 से, बराबर 2156 बटे 3 सेंटीमीटर क्यूब ये लिख सकते हैं, चाहे तो अपन यहाँ 3 का भाग भी लगा सकते हैं। यदि आगे सरल करना चाहे 3 का भाग लगाएंगे तो 7×21 3×3 8×24 3×3 सेंटीमीटर क्यूब, तो 718.33 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। 2156 में 3 का भाग लगाएंगे तो 718.66 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, तो इसका शंकु का आयतन हो जाएगा 718.66 सेंटीमीटर क्यूब या 718.66 घन सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आधार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसके अंदर की वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। कि एक शंकुआकार टेंट है इस तरह का, इसके आधार की परिधि दी हुई है और इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई तो यहां से यहां तक है, वो कितनी है, 9 मीटर। और इसके आधार की परिधि, शंकु का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, तो वृत्त की परिधि दी हुई है, शंकु की ऊंचाई बराबर 9 मीटर। शंकु के आधार की परिधि बराबर 44 मीटर। तो शंकु का आधार होता है वृत्ताकार, इसका अर्थ हो गया ये एक वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr बराबर 44, तो 2 × π का मान 22/7 इंटू आर का मान ज्ञात करना बराबर 44, तो r बराबर 44/1 × 7/22 × 1/2, 22 का भाग 44 में 2 बार 2 से ये 2 कट गए, तो r बराबर 7 मीटर। उस शंकु की त्रिज्या कितनी आ गई, 7 मीटर, और ऊंचाई है वो 9 मीटर है, तो इसका क्या ज्ञात करना अपन को, आयतन लिखेंगे,
शंकु के अंदर वायु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 इंटू 22/7 इंटू आर का मान 7 × 7 इंटू एच का मान 9। अब जो संख्याएं कटती है उनको काट देंगे, देखो 7 × 7 कट गया, 3 × 9 = 3 बराबर 22 × 7 × 3। अब संख्याओं को इंटू कर देंगे, 22 को 7 से इंटू करेंगे 154, 154 को 3 से इंटू करना है 12 × 1 = 15 और 1 = 16 कितने आ गए 462 मीटर क्यूब या घन मीटर। तो शंकु का आयतन कितना आएगा 462। तो दोस्तों आगे की क्लास में कल मिलते हैं, उससे पहले आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।